नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा द्वारा पकड़े गए सुपर कोविड अस्पताल के डॉक्टर अक्षय राठौड़, तिवसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर पवन मालूसरे, इस इंजेक्शन की तस्करी के मामले में शामिल शुभम सोनटक्के, शुभम किल्लेकर, नर्स पूनम सोनो ने व एक निजी कोविड अस्पताल के अनिल पिंजरकर आदि सभी की जमानत स्थानीय अदालत द्वारा रद्द कर दी गई है। स्थानीय प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी के कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में फिलहाल डॉक्टर राठौड़, डॉक्टर मालूसरे व नर्स सोनो ने अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। वहीं कोविड पॉजिटिव पाए जाने के चलते अनिल पिंजरकर को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। शेष आरोपी अस्थायी जेल में रखे गए हैं। पुलिस अब इन आरोपियों को फिर से हिरासत में लेकर पीसीआर के लिए उन्हें न्यायालय में पेश कर सकती है। इस मामले में आज कोर्ट में पुलिस की ओर से आर्थिक अपराध शाखा के पीआई शिवाजी बचाटे ने अपना पक्ष रखा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख व मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के भ्रष्टाचार मामले में कुछ मीडिया हाउस द्वारा फोन टैपिंग विषय में अमरावती पुलिस आयुक्तालय में कार्यरत पुलिसकर्मी देवानंद भोजे का कथित तौर पर नाम उछाले जाने से त्रस्त होकर अमरावती पुलिस आयुक्तालय में कार्यरत वरिष्ठ टाइपिस्ट देवानंद भोजे ने 17 मई को खुद सीबीआई को पत्र लिखकर मांग की है कि उनकी यानी देवानंद की जाँच की जाए। भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त होने के कथित समाचारों से देवानंद भोजे इतने परेशान हो चुके हैं कि वे परिवार सहित आत्महत्या करने का विचार कर रहे हैं। सीबीआई को लिखे पत्र में देवानंद ने इसका उल्लेख भी किया है। अमरावती जिले में किसानों की अपनी बैंक के रूप में पहचान रखने वाली अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के पूर्व संचालकों के कार्यकाल में बैंक ने 700 करोड़ रुपयों का निवेश म्यूचुअल फंड में किया था। बैंकों का पैसा म्यूचुअल फंड में ब्रोकर की मदद से निवेश करने के कारण इस व्यवहार में बैंक को 3,40,00,000 रुपयों का नुकसान सहन करना पड़ा था। जिला मध्यवर्ती बैंक ने नाबार्ड और आरबीआई के मार्गदर्शक तत्वों का उल्लंघन करते हुए यह निवेश किया। जिला बैंक में हुई इस आर्थिक गड़बड़ी पर सबसे पहले मंडल न्यूज ने प्रकाश डाला था, जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला मध्यवर्ती बैंक पर नियुक्त प्रशासक सतीश भोसले ने बैंक के व्यवहार का इन्वेस्टमेंट ऑडिट भी करवाया और इस ऑडिट रिपोर्ट के साथ कोतवाली पुलिस थाने में अधिकृत तौर पर शिकायत भी दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने प्रशासक भोसले को इस व्यवहार के समय बैंक में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम निश्चित कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। और प्रशासक सतीश भोसले ने कल शाम 6 बजे कोतवाली पुलिस थाने के पीआई राहुल आठौले को यह रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने बैंक द्वारा किए गए 700 करोड़ रुपयों के म्यूचुअल फंड निवेश के लिए जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेसी राठौड़, तत्कालीन मुख्य इन्वेस्टमेंट ऑफिसर चांदूरकर, तत्कालीन सांख्यिकी अधिकारी आरएन कड़ू व अकाउंटेंट रोहिणी चौधरी को जिम्मेदार करार दिया। यह रिपोर्ट कल कोतवाली पुलिस को मिलने के बाद आज सुबह कोतवाली के थानेदार राहुल आठौले ने यह समूचा मामला शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के सामने रखा। इस कारण अब इस मामले में किसी भी समय जिला मध्यवर्ती बैंक के 4 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ अपराध दर्ज होगा। इस समय जारी लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा कृषि उत्पन्न बाजार समिति अंतर्गत काम करने वाली फसल मंडी तथा थोक सब्जी मंडी व फल मंडी का कामकाज बंद करवाया गया है, जिसकी वजह से किसानों विशेषकर साग सब्जी उत्पादक किसानों को काफी नुकसान व तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय बाजार बंद रहने के चलते उनके माल की पहले की तरह बिक्री नहीं हो पा रही और उनके आर्थिक स्रोत पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जबकि इस समय खरीफ बुआई का सीजन सामने है और किसानों को पैसों की सख्त जरूरत, ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि फसल मंडी तथा सब्जी व फल मंडी में कामकाज शुरू करने की अनुमति दी जाए। इसके तहत थोक सब्जी मंडी व फल मंडी में सब्जियों व फलों की खरीद बिक्री हेतु पहले की तरह अलग अलग दिन तय किए जा सकते हैं। साथ ही फसल मंडी में भीड़ भाड़ को टालने हेतु टोकन सिस्टम को अमल में लाया जा सकता है। इस आशय का निवेदन अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अध्यक्ष अशोक दहीकर व सचिव दीपक विजयकर द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपे गए निवेदन में किया गया है। इस निवेदन में कहा गया है कि विगत 7 मई से अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति की फल सब्जी व अनाज मंडी पूरी तरह से बंद है। ऐसे में साग सब्जियों व फलों की आपूर्ति का नियोजन पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से साग सब्जियों फलों की किल्लत होने से इनके दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर आपूर्ति व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के चलते कई किसानों को अपने खेतों में उगने वाली सब्जियां सड़ जाने की वजह से फेंकनी पड़ रही है। इससे आम नागरिकों सहित किसानों को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह ज्यादा बेहतर रहेगा कि पिछले लॉकडाउन की तरह थोक सब्जी मंडी व फल मंडी में सब्जियों व फलों के लिए अलग अलग दिन तय किए जाएं, ताकि आपूर्ति व बिक्री के बीच संतुलन बनाया जा सके। इसी तरह फसल मंडी में भी कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए कामकाज शुरू करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इस वक्त किसानों के पास बड़े पैमाने पर कृषि उपज पड़ी हुई है, जिसे बेचकर अगर उन्हें पैसा नहीं मिलता है तो उनके लिए खरीफ फसलों की बुआई का काम करना मुश्किल होगा। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर जिलाधीश शैलेश नवाल ने बताया कि जिले की सभी 12 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों की ओर से उन्हें मंडी शुरू करने के संदर्भ में निवेदन मिले हैं, जिन पर आवश्यक विचार विमर्श जारी है और आगामी 1-2 दिन में सरकारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।
वहीं इस बारे में निगमायुक्त प्रशांत रोड़े का कहना रहा कि इस बारे में फैसला लेने का अधिकार पूरी तरह से जिलाधीश के पास है और उम्मीद है कि शहर सहित जिले की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश द्वारा एक दो दिन में कोई योग्य निर्णय लिया जाए। फिलहाल चल रहे कोविड संक्रमण के खतरे के बीच ICMR और एम्स ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एक बड़ा फैसला लेते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी को कोविड संक्रमितों की उपचार प्रक्रिया से हटा दिया गया है, क्योंकि अब तक के अनुभवों को देखते हुए पाया गया है कि कोविड संक्रमित मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी प्रभावित साबित नहीं हुई है और कई मामलों में इसका अनुचित इस्तेमाल भी हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह भी मानना रहा कि प्लाज्मा थेरेपी महंगी रहने के साथ ही इसकी वजह से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर काम का अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है, जबकि इससे मरीजों के ठीक होने में कोई मदद भी नहीं मिल रही। ऐसे में कोविड संक्रमण के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी को हटा देने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में मंडल न्यूज द्वारा डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू, डॉक्टर विजय बख्तर, डॉक्टर अरुण हरवाणी तथा डॉक्टर सुहेल वारी जैसे स्थानीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों से इस संदर्भ में उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो लगभग सभी का कहना यही रहा कि शुरुआती दौर में कोविड संक्रमितों का किस पद्धति से इलाज किया जाए यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। ऐसे में एंटीवायरल व एंटीबैक्टीरियल दवाइयों के साथ ही रेमडेसिविर व टोसिलीजुमैब जैसे इंजेक्शनों और प्लाज्मा थेरेपी जैसे पर्यायों का उपयोग करके देखा गया, किंतु कालांतर में मिले अनुभवों से यह साबित हुआ कि सभी मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, साथ ही प्लाज्मा थेरेपी तो बिल्कुल भी कारगर नहीं है। ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करना काफी पहले ही बंद कर दिया गया है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के नेतृत्व में इन दिनों शहर पुलिस द्वारा बेहद कड़ी पुलिसिंग की जा रही है ताकि अपराध जगत की कमर तोड़ी जा सके। इसकी वजह से इन दिनों अपराधियों व अवैध व्यवसायों में लिप्त लोगों की शामत आई हुई है, क्योंकि CP डॉक्टर आरती सिंह के विशेष पथक सहित क्राइम ब्रांच तथा विभिन्न पुलिस थानों के DV स्क्वाड द्वारा एक के बाद एक तड़ातड़ कार्रवाइयां की जा रही है। गत वर्ष 9 सितम्बर को अमरावती शहर पुलिस आयुक्त पद की कमान संभालते ही CP डॉक्टर आरती सिंह ने अमरावती शहर को अपराध मुक्त करने और शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति कायम करने का आश्वासन शहरवासियों को दिया था। विगत 8 माह के दौरान CP डॉक्टर आरती सिंह अपने इस वादे पर पूरी तरह खरी उतरती दिखाई दी हैं। इन 8 माह के दौरान जहां एक ओर पुलिस को लॉकडाउन काल की वजह से लगातार बंदोबस्त में लगे रहना पड़ा, वहीं दूसरी ओर शहर पुलिस ने काम के अतिरिक्त बोझ के बावजूद अपराधियों व अपराध जगत से अपनी नजर नहीं हटने दी। यही वजह है कि पुलिस द्वारा की जाने वाली निरंतर कार्रवाई के चलते शहर के अधिकांश जुआ अड्डे और अवैध शराब के ठिकाने पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। साथ ही शहर पुलिस ने इस दौरान क्रिकेट पर लगने वाले ऑनलाइन के रैकेट का पर्दाफाश करने के साथ साथ गांजा, रेती, शराब व हथियारों की तस्करी के भी कई मामले उजागर हुए। इसके अलावा शहर से समूचे जिले में सनसनी मचा देने वाले नयन लुनिया अपहरण कांड का भी पुलिस द्वारा महज 48 घंटे में पर्दाफाश करते हुए इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और अपहरण किए गए 4 वर्षीय नयन लुनिया को भी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से अहमदनगर जाकर सकुशल बचाया गया था। इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह का कहना रहा कि पुलिस महकमे का काम ही होता है कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना और आपराधिक तत्वों व वारदातों पर नियंत्रण रखना। हम अपनी यह जिम्मेदारी पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि अमरावती शहर को पूरी तरह से अपराध मुक्त रखा जाए ताकि सभी शहरवासी निश्चिंत होकर अमन चैन के साथ अपनी जिंदगी जिए। CP डॉक्टर आरती सिंह ने यह भी कहा कि इन दिनों लॉकडाउन की वजह से कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करवाने हेतु पुलिस पर काम का काफी अधिक बोझ है। इसके बावजूद पुलिस द्वारा अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाया जा रहा है। ऐसे में सभी नागरिकों ने भी पुलिस महकमे के साथ आवश्यक सहयोग करना चाहिए। पेशे से निष्णात MBBS डॉक्टर रहने वाली CP डॉक्टर आरती सिंह ने सभी शहरवासियों से कोविड संक्रमण काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने और कोविड त्रिसूत्री के नियमों का पालन करने को लेकर भी आह्वान किया। वर्ष 2019 में लीज अनुबंध पर बेची गई 2 दुकानों को पुनः बेचने की नई कलाकारी अचलपुर कृषि मंडी में देखने को मिली है। अचलपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में इन दिनों सब गोलमाल है और घोटाले ही घोटाले हैं और एक घोटाले को छिपाने के लिए बाजार समिति में अलग अलग प्रकार की कलाकारी करने वाले कई कलाकार भी मौजूद हैं। गजानन की कृपा से पूरी बाजार समिति को हजम करने का दुष्चक्र आज भी जारी है। मुर्गी बाजार के पास जुने मिर्ची आड़त से लगकर कथित गजानन बांधकाम इंजीनियर की देखरेख में 8 की बजाय 9 दुकानों का बांधकाम किया गया था। इसमें से 2 दुकानों को किन्हीं 2 महिलाओं के नाम पर 1.5 वर्ष पूर्व ही आवंटित किया गया। इसके लिए बाकायदा तत्कालीन सचिव व सभापति की कुर्सी से नजदीकी संबंध रखने वाले मंगेश भेटालू ने संबंधित लीज धारक महिलाओं से 7 लाख रुपए नगद लिए और उन्हें करारनामा कर दुकानें उनके ताबे में भी सौंपी। वर्ष 2019 के मध्यकाल की इस घटना में करीब 7 लाख रुपए तहसील की प्रतिष्ठित महिलाओं ने नगद दिए थे, लेकिन वो रकम कल सोमवार 17 मई तक कृषि मंडी अचलपुर के बैंक खाते अथवा तिजोरी में जमा ही नहीं हुई। कैशियर बनकर नकदी भी मंगेश ने ली और सचिव के रूप में एग्रीमेंट भी करके दिया। लोगों की जानकारी के लिए लगे हाथ यह भी बता दें कि ये वही मंगेश है जिन्हें कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पद नियुक्ति यानी नौकर भर्ती घोटाले में पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है।
इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोजाना अलग अलग राज्यों में सर्वाधिक कोविड संक्रमण रहने वाले जिलों के जिलाधीशों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए हालात का जायजा लिया जा रहा है। इसके तहत कल 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमरावती के जिलाधीश शैलेश नवाल सहित करीब 50 जिलाधीशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद साधा जाएगा। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री मोदी सभी जिलाधीशों से उनके जिलों में कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति को लेकर जानकारी प्राप्त करने के साथ ही अब तक किए गए उपाय, योजनाओं और काम करने के दौरान आ रही दिक्कतों को लेकर चर्चा करेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दिन पहले इस संदर्भ में मंडल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने बताया कि यूं तो कोविड टेस्टिंग, कोविड संक्रमित मरीजों, संक्रमण की वजह से हुई मौतों तथा संक्रमण को रोकने हेतु किए जा रहे सभी उपायों की जानकारी समय समय पर ऑनलाइन तरीके से केंद्र तथा राज्य सरकार सहित संबंधित स्वास्थ्य विभाग एवं ICMR को उपलब्ध कराई जाती है। जहां तक काम करने के दौरान आने वाली दिक्कतों का मसला है तो हमने उन दिक्कतों को चुनौती के तौर पर लिया है। यही तमाम बातें PM मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते समय सामने रखी जाएंगी। शहर में एम्बुलेंस चालक का काम करने वाले संजय किशनराव पुनसे की गत रोज कोविड संक्रमण के चलते कोविड अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद उनके शव को जिला शवागार में रखा गया, जहां पर बुधवार की सुबह कई एम्बुलेंस चालक अपने एम्बुलेंस वाहनों को लेकर उपस्थित हुए और जब शवागार से संजय पुनसे का शव उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया तब सभी एम्बुलेंस चालकों ने अपने साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही जब पुनसे परिजनों के साथ मनपा का स्वास्थ्य पथक संजय पुनसे के शव को लेकर मोक्षधाम जाने हेतु रवाना हुआ तो शव वाहिका के पीछे दर्जनों एम्बुलेंस का रेला चल पड़ा। इस जरिए सभी एम्बुलेंस चालकों ने अपने साथी को बेहद अनूठे ढंग से सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी। अकोला के स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय द्वारा भेजी गई कोविशील्ड व कोवैक्सीन की नई खेप बुधवार 19 मई को अमरावती जिला स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हो गई है। इसके तहत कोवैक्सीन के 3000 तथा कोविशील्ड के 4600 डोज बुधवार की सुबह करीब 11:30 बजे अमरावती स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए, जिनका मनपा क्षेत्र व तहसील निहाय वितरण हेतु नियोजन किया जा चुका है। और गुरुवार 20 मई की सुबह से जिले में एक बार फिर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगाना शुरू किया जाएगा। इसके तहत इससे पहले कोवैक्सीन का पहला डोज लगा चुके लाभार्थियों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। साथ ही कोविशील्ड की नई खेप के जरिए 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को पहला व दूसरा डोज लगाया जाएगा। विगत एक दो दिनों से स्थानीय मीडिया में खबरें प्रकाशित की जा रही थी कि जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों पर ताले लटके हुए हैं और सभी 135 टीकाकरण केंद्र बंद पड़े हैं क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। जबकि हकीकत यह है कि गत रोज अमरावती जिले के 135 में से 13 केंद्रों पर 1444 लाभार्थियों को पहला व 329 लाभार्थियों को दूसरा डोज लगाया गया। ऐसे में यह कहना पूरी तरह गलत है कि दो दिन पूर्व वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया था और टीकाकरण का काम रोक दिया गया था। जिले में कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ है, जिसके तहत अब तक 2,89,176 लाभार्थियों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया है। इसमें से 93,603 लाभार्थियों ने दूसरा डोज भी लगवा लिया है। ऐसे में अब तक अमरावती जिले में कुल 3,82,779 डोज लगाए जा चुके हैं। अमरावती जिले की कुल जनसंख्या 29 लाख के आसपास है, जिसमें से अब तक 3,82,779 लोगों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। यह कुल जनसंख्या के अनुपात में 13.17% है। वहीं अमरावती मनपा क्षेत्र की जनसंख्या 7,65,000 के आसपास है, जिसमें से अब तक 18.16% यानी करीब 1,39,000 नागरिकों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। इसके अलावा जिले के तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 21,35,000 के आसपास है, जिसमें से 11.38% यानी करीब 2,43,000 नागरिकों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। कोविड संकट काल के दौरान जिले के 80 सरकारी व निजी अस्पतालों को रोजाना 2,300 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति करने वाले श्री वल्लभ गैस एजेंसी के तीसरे ऑक्सीजन प्लांट का विधिवत उद्घाटन विधायक रवि राणा के हाथों किया गया। विधायक रवि राणा ने उद्घाटन पश्चात संपूर्ण प्लांट की समीक्षा की और प्लांट के संदर्भ में जानकारी हासिल की। इस समय उप विभागीय अधिकारी राजपूत सहित युवा स्वाभिमान पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में प्रभावी उपाय योजना करते हुए संभावित खतरे को टालने के लिए विधायक सुलभा खोड़के ने जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर चर्चा की। कोविड महामारी के दौर में मरीजों की जान बचाने के लिए जिला कोविड अस्पताल में रोजाना 400 ऑक्सीजन बेड मिल सके, इतनी क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को साकार करने के संदर्भ में जिलाधीश शैलेश नवाल के साथ भी विधायक सुलभा खोड़के द्वारा बातचीत की गई। इस समय अमरावती जिले में आगामी 22 मई तक कड़ी संचार बंदी लागू की गई है, जिसके तहत जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को केवल होम डिलीवरी करने की अनुमति दी गई है और आम नागरिकों को किसी भी तरह की खरीदारी हेतु घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जहां एक ओर लोग बाग अपनी जरूरतों का सामान खरीदने हेतु घरों से बाहर निकल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संचार बंदी के बावजूद कई दुकानदार अपनी दुकानें पूरी तरह खुली रखते हुए जमकर ग्राहकी कर रहे हैं। यह सीधे सीधे संचार बंदी के नियमों का उल्लंघन है, लेकिन इसके बावजूद शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में यह उल्लंघन खुलेआम जारी है और कड़े प्रतिबंध जारी रहने के साथ ही शहर की सड़कों पर लोगों की जमकर आवाजाही भी दिखाई दे रही है। जिले में कोविड संक्रमण काल के दौरान एम्बुलेंस वाहनों की मांग बढ़ गई है और एम्बुलेंस चालकों द्वारा मरीजों के परिजनों से अनाप शनाप शुल्क लिए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा एम्बुलेंस वाहनों की अधिकृत दरें घोषित की गई हैं। इस आशय की जानकारी देने के साथ ही जिलाधीश नवाल ने कहा कि यदि किसी भी एम्बुलेंस चालक द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक रकम वसूली जाती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ ही फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। इस संदर्भ में अमरावती एम्बुलेंस चालक मालक संगठन के अध्यक्ष भरत जवानजाल से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि मरीजों को लाने ले जाने हेतु उनके परिजनों से अनाप शनाप रकम वसूल करने का सवाल ही नहीं उठता। उनके संगठन में शामिल सभी एम्बुलेंस चालक पूरे निस्वार्थ भाव से रुग्ण सेवा के काम में लगे हैं और नियमानुसार जो किराया बनता है वही किराया लेते हैं। कई बार तो किसी मरीज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने पर एम्बुलेंस चालकों द्वारा निःशुल्क सेवा भी प्रदान की जाती है। साथ ही कई बार पुलिस द्वारा किसी घटना या दुर्घटना में घायल अथवा मृत व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने हेतु बुलाने पर वक्त बेवक्त किसी भी समय एम्बुलेंस चालक अपने वाहन लेकर पहुंचते हैं, जिसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता। ऐसे में एम्बुलेंस चालकों द्वारा की जा रही समर्पित और निस्वार्थ सेवा को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस समय जिले में धीरे धीरे कोविड संक्रमण की रफ्तार घटती दिखाई दे रही है। जहां विगत 10-12 दिनों के दौरान रोजाना 1000 से अधिक नए संक्रमित मरीज पाए जा रहे थे, वहीं विगत 2 दिनों से यह संख्या लगातार घट रही है। गत रोज जहां 798 मरीज पाए गए थे, वहीं आज 701 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 85,299 पर जा पहुंची है। वहीं बुधवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिसमें सभी स्थानीय मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,303 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1,464 पर जा पहुंचा है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 3 व ग्रामीण क्षेत्र के 10 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा बुधवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 1,132 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 74,244 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। यह एक तरह से राहत वाली स्थिति है। इसके अलावा इन दिनों पॉजिटिविटी रेट में आ रही कमी को भी दिलासादायक स्थिति माना जा रहा है। जहां पहले रोजाना कुल टेस्टिंग की तुलना में 25% से अधिक पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे थे, वहीं अब पॉजिटिविटी रेट घटकर 19.79% पर पहुंच गया है। जिले में इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9,712 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2,456 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 7,256 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस समय 2,049 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 1,834 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5,829 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। विगत 15 फरवरी तक अमरावती शहर से जिले में कुल 25,443 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए गए थे, जिनमें से 439 संक्रमितों की मौत हुई थी। वहीं गत रोज 18 मई को संक्रमितों की संख्या 84,598 पर जा पहुंची और अब संक्रमण की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 1,300 से अधिक हो गया है। यानी 15 फरवरी से 18 मई तक 92 दिनों के दौरान अमरावती जिले में 58,855 लोग कोविड संक्रमण की चपेट में आए हैं और इस दौरान 851 लोगों की इस संक्रमण की वजह से मौत हुई है। इन 92 दिनों के दौरान अमरावती मनपा क्षेत्र में 30,575 नए संक्रमित मरीज पाए गए और 394 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हुई। वहीं इस दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 28,280 नए संक्रमित मरीज पाए गए और 457 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 1 अप्रैल 2020 से 15 फरवरी 2021 तक 9.5 महीने के दौरान अमरावती जिले में 25,473 लोग कोविड संक्रमण की चपेट में आए थे, जिसमें अमरावती मनपा क्षेत्र के 15,908 और ग्रामीण क्षेत्र के 9,835 नागरिकों का समावेश था। उस दौरान अमरावती मनपा क्षेत्र में
223 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 216 ऐसे कुल 439 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हुई थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि 15 फरवरी से पहले अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की रफ्तार अपेक्षाकृत तौर पर काफी कम थी। वहीं 15 फरवरी के बाद इस संक्रमण की रफ्तार में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इन 92 दिनों के दौरान अन्य जिलों से वास्ता रखने वाले 165 मरीजों की भी अमरावती के कोविड अस्पतालों में इलाज के दौरान मौत हुई है। साथ ही इन 92 दिनों के दौरान अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण का कहर बड़ी तेजी से फैला है। इस समय जिले के 11 तहसील क्षेत्रों में कोविड वायरस को लेकर हालत काफी विस्फोटक हो गए हैं। गत रोज जिले की 11 तहसीलों में 36% तक पॉजिटिविटी रेट जा पहुंचा है। नांदगांव खंडेश्वर चांदू रेलवे व दरियापुर सहित अमरावती तहसील क्षेत्र को छोड़कर जिले की अन्य 11 तहसीलों में कोविड संक्रमण को लेकर हालात बेहद गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक गत रोज मोर्शी में सर्वाधिक 35.8, धारणी में 35.2, धामनगांव रेलवे में 34.0, अंजनगांव सुरजी में 30.7, वरुड में 29.6, चिखलदरा में 29.0, चांदूर बाजार में 28.0, अचलपुर में 25.4, अमरावती तहसील क्षेत्र में 20.02, तिरसा में 19.0, नांदगांव खंडेश्वर में 11.1, दरियापुर में 10.7 तथा चांदू रेलवे में 7.8 पॉजिटिविटी रेट रहा। इसमें से रविवार को भी मोर्शी में 29.2, वरुण में 36.4, अचलपुर में 35.2 तथा चांदूर बाजार में 32.7 पॉजिटिविटी रेट पाया गया था। जिले के कुल 41 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा 4 कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2373 बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से इस समय 1512 बेड पर कोविड संक्रमित मरीज भर्ती हैं और 861 बेड रिक्त हैं। विगत कुछ दिनों की तुलना में अब रिक्त रहने वाले बेड की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे एक तरह से जिले के लिए राहत वाली स्थिति माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा संभावित खतरे को देखते हुए कोविड अस्पतालों तथा कोविड हेल्थ केयर सेंटरों की संख्या के साथ ही बेड संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इस समय जिले की सभी सरकारी, निजी व सहकार क्षेत्र की बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में जिला प्रशासन द्वारा ग्राहकों की अनावश्यक भीड़भाड़ को कम करने तथा अधिक से अधिक कामकाज ऑनलाइन तरीके से करने के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब सभी बैंकों द्वारा अपने प्रत्यक्ष कामकाज के समय को घटा दिया गया है और सभी बैंकों में रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही ग्राहकों के आर्थिक लेनदेन का काम किया जाता है। साथ ही ग्राहकों को आर्थिक लेनदेन से संबंधित अधिकांश काम ऑनलाइन करने के संदर्भ में जागरूक भी किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी हेतु संपर्क करने पर स्टेट बैंक की मेन ब्रांच के मैनेजर अर्णब दास गुप्ता ने बताया कि इस संदर्भ में वरिष्ठ स्तर से जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका सभी बैंक शाखाओं द्वारा कड़ाई पूर्वक पालन किया जा रहा है और बैंक कार्यालयों में ज्यादा भीड़भाड़ नहीं होने दी जा रही। साथ ही ऑनलाइन कामों पर ज्यादा फोकस करते हुए ग्राहकों को भी इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं जिले की लीड बैंक के मैनेजर जितेंद्र कुमार झा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा रोजाना सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बैंकिंग संबंधी कामकाज करने और 2 बजे से 4 बजे तक बैंकों का अंतर्गत कार्यालयीन कामकाज करने की अनुमति दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन को इसमें फेरबदल करने के अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत विगत सप्ताह जिला प्रशासन द्वारा बैंकों में ग्राहकों की भीड़भाड़ को टालने हेतु सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नियमित कामकाज करने और अपराह्न 3 से 4 बजे तक कार्यालयीन कामकाज करने की अनुमति दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्षा निवेदिता चौधरी ने एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कड़ू को सलाह दी है कि केंद्र सरकार द्वारा रासायनिक खादों के दाम नहीं बढ़ाए गए, फिर भी बच्चू कड़ू केंद्र सरकार के विरोध में किसानों को भड़काकर ताली बजाओ आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन पूरी तरह से बकवास है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किसानों को खेतों की मेड़ पर बीज व खाद उपलब्ध करवा कर देने वाले थे, लेकिन आज तक यह बीज और खाद कैसे मिली यह जानकारी राज्य मंत्री बच्चू कड़ू को पहले स्पष्ट करना चाहिए। मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े के आदेशानुसार शहर के अलग अलग जोन कार्यालय अंतर्गत कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करने वाले नागरिकों से जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की गई। इसके तहत पठान चौक, गवलीपुरा, इतवारा बाजार, किराना लाइन, चांदनी चौक, जमीर कॉलोनी, धर्मकांटा परिसर व वलगांव रोड परिसर में कार्रवाई करते हुए दुकानदारों से 13,000 रुपए का दंड वसूला गया। साथ ही RT-PCR रिपोर्ट नहीं रहने और मास्क का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर वसूले गए दंड को मिलाकर यह राशि 17,500 रुपए पर पहुंची। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा 149 लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट भी की गई, जिसमें एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले जूनी बस्ती के इंदिरा नगर परिसर में रहने वाले 2 दोस्तों के बीच विगत सप्ताह मामूली विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जो मारपीट में बदल गया और उसी इलाके में रहने वाले शेखर चिंचोलकर ने अपने दोस्त अर्जुन माधव सिंह वर्मा पर पाइप से हमला कर दिया। उस हमले में अर्जुन वर्मा के सिर पर गंभीर चोटें आई थी। उसे पहले इरविन और बाद में यहां से नागपुर रेफर किया गया था। नागपुर में इलाज के दौरान गुरुवार 13 मई को अर्जुन वर्मा की मौत हो गई। इस मामले में नागपुर पुलिस की मर्ग डायरी और अर्जुन वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल बडनेरा पुलिस को प्राप्त हुई। पश्चात मृतक
अर्जुन की मां रेखा माधव वर्मा का कल रात बडनेरा पुलिस ने बयान दर्ज किया और इंदिरा नगर निवासी शेखर चिंचोलकर के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। स्थानीय राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत गणेश कॉलोनी चौक पर सड़क के किनारे हाथ गाड़ी पर सब्जी बेचने वाले एक सब्जी विक्रेता को अनियंत्रित हुई स्विफ्ट डिजायर कार ने जबरदस्त टक्कर मारी। इस दुर्घटना में सब्जी विक्रेता की हाथ गाड़ी पूरी तरह से टूट गई और वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूरज भटकर नामक इस 32 वर्षीय सब्जी विक्रेता को अंबादेवी रोड पर स्थित पारवानी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उसकी कमर और पैर पर बेहद गंभीर चोट आई है। बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले नई बस्ती की चांदनी चौक परिसर में ऋषिकेश हरिदास सूर्यवंशी के खुले घर में प्रवेश कर सोमवार रात के दौरान अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवरात व नगद 80,000 रुपए इस तरह कुल 119,000 रुपए के माल पर हाथ साफ किया। घटना के समय सूर्यवंशी परिवार घर के दरवाजे खुले रखकर सोया हुआ था, क्योंकि बारिश होने की वजह से उमस काफी बढ़ गई थी। इस बात का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने इस घर में चोरी। बडनेरा पुलिस ने शिकायत पर दफा 380 के तहत मामला दर्ज किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।